साउथ अफ्रीका में महात्मा जी को भेदभाव के कारण एक ट्रेन से निकाला गया था। वह ट्रेन लोगों के बीच बंटवारे का प्रतीक थी, किंतु आज एक दूसरी ट्रेन दो मित्र देशों के बीच जोड़ रही है मित्रता। यह बुलेट ट्रेन जापान और भारत के लोगों के बीच भाईचारे का प्रतीक बन रही है। कुछ निराशावादी लोगों ने 1968 में राजधानी ट्रेन की शुरुआत से के समय भी आलोचना की थी, लेकिन आज राजधानी एक ऐसी ट्रेन है जिसमें सभी यात्रा करना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जापान की टेक्नोलॉजी से भारत में बुलेट ट्रेन बनेंगे, जिससे मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बहुत बढ़ावा मिलेगा और इससे लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ कीमतें कम होने से यह बुलेट ट्रेन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में भी भारत के द्वारा बनाई गई ट्रेन सस्ते दरों पर उपलब्ध की जाएंगी। यह प्रोजेक्ट भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। जापान के साथ यह पार्टनरशिप पिछली पार्टनरशिप्स की तरह एक बार फिर भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी।